लेकर जिले में तेजी से तैयारियां चल रही है। जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को लेकर जिले में कार्यशाला के माध्यम से टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को जानकारी दी जा रही है। गुरुवार को दशहरा मैदान के समीप टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी कोरोना योद्धा और स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत है, सभी को कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि टीकाकरण के समय किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.L. मालवी ने जानकारी में बताया कि पहले चरण में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाना है। इसको लेकर लगभग 4,000 से अधिक कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। टीकाकरण को लेकर जिले में 25 स्थान चयनित किए गए हैं। यह भी बताया गया कि कर्मचारी को टीका लगाने के बाद उसे 30 मिनट तक टीकाकरण केंद्र पर ही रोका जाएगा। इस समय के बीच उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो उसे घर भेज दिया जाएगा, और अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसे चिकित्सालय भेजा जाएगा। अभी शासन के द्वारा जो हेल्थ वर्कर्स हैं, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट, जो भी हमारे ज़िले में कार्यरत लोग हैं चिकित्सा क्षेत्र में, उन सभी का कोविड के अगेंस्ट टीकाकरण होना है। और उस टीकाकरण के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाना है, जो टीकाकरण करने के लिए जो टीम बनाई गई है, उन टीम का प्रशिक्षण यहाँ टाउन हॉल में दिया जा रहा है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, उसमें उन पर सारी बारीकियाँ, टीकाकरण से होने वाले दुष्प्रभाव और उनका मैनेजमेंट, सारा टीकाकरण किस प्रकार से किया जाना है, कैसे हम लोगों को सूचीबद्ध करेंगे, कैसे उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, कैसे उसको टीकाकरण के बाद समझाइश देंगे, उसके बाद वो घर जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए एक टीम के रूप में हर बूथ बनाकर और वहाँ पर अस्पताल में वहाँ पर इनको टीका दिया जाएगा। और उस टीकाकरण के पश्चात जो है पूरे हेल्थ का वर्कर, जब पूरे टीके हो जाएंगे, 4 दिन की ये प्रक्रिया रहेगी, इसमें पूरे ज़िले के सभी जो एनलिस्टेड लोग हैं, लगभग 4,519 लोग हैं, इनको ये टीका लगाना है। अभी हमारे पास अभी 2 दिन से प्रशिक्षण चल रहा है, तो लगभग 200 हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनको कि हमें ये प्रशिक्षण दिया जाना था, तो आज लगभग 100 लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाए। वहाँ पर टीम बनाई है, उसमें अलग अलग लेवल के 4 लोग हमारे दल में रहेंगे, तो उसमें जो दल का तीसरा और चौथा सदस्य होगा वो उस चीज़ की निगरानी करेगा कि टीकाकरण लगने के पश्चात उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है, वो कैसा महसूस कर रहा है, और उसको आधे घंटे तक वहाँ पर इंतज़ार करना है, उसको रोक कर रखेंगे, और जब वो ठीक लगेगा तो उसके पश्चात उसको घर जाने की। ये कल से प्रशिक्षण शुरू हो चुका था, आज इसका लास्ट डे है, आज ये 2रा दिन है, आज ये अभी दोपहर पश्चात 4 बजे तक प्रशिक्षित नहीं है, चूँकि अब प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण में शंका समाधान और उसका तो एक सत्र होता ही है लास्ट में, कि अगर इसमें प्रशिक्षण में कहीं कोई किसी को कोई समझ में नहीं आया, कोई उनको कोई क्वेरी है, तो उसका समाधान भी यहाँ प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है।